आज के मशीनी युग में मानवीय संवेदनाएं भी मशीनी हो चुकी हैं। एकल परिवारों का चलन बढ़ने से बुजुर्गों की जिंदगी बेरौनक होने लगी है। ऐसे कई बुजुर्ग माँ बाप हैं जिन्हें जिंदगी की सांझ में संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे बेघर बुजुर्गों के लिए धर्म सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने आसरा यानी वृद्धाश्रम की स्थापना की है, जहाँ बेसहारा बुजुर्गों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। इलाके में चैरिटेबल के प्रयास की खूब सराहना हो रही है, लेकिन टुडे हेडलाइंस ये प्रार्थना करता है कि काश किसी माँ बाप को यहाँ तक आने की नौबत ना पड़े। उठे अज भी वरते देग बाबा कार नानक सब थाए कुंठार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कुंठार नानक। सत्संग जी, वृद्धाश्रम अज तो चालू हो गया है। जिहड़ा कोई सज्जन लोड़वंद है आ सकता, अपना वो फार्म भरवा के इत्थे रह सकता, उसकी सेवा होएगी। दसां को जो कुछ होया वो करांगे वध तो वध। अस्पताल भी बढ़ाउणा, सोसाइटी ने वो हस्पताल भी बनाना। हाँ जी, हाँ वो भी जगह इन्होंने दे जानी। हाँ जी, ये है भी मैं सेवादार बहुत घट फिट हो सकना, इस करके मैं सेवा बहुत इन्हें सज्जना नहीं, सब कुछ जो कुछ करना इन्हें करना। हाँ जी, सो कृपा करके साध संगत जिहड़ा कोई सुनदा गिणदा होए वो इस गल दा ध्यान दवे ते सानू सेवा दा मौका दे। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 30/9/2019 नू नवा पिंड विखे धर्म सिंह चैरिटेबल सोसाइटी बिरध आश्रम बापू जी वल्लों ते इत्थों समूह इलाके दियां हल्के दियां संगतां ने रल मिल के खोलिया है जी। ते अज उहदी आरंभता कीती गई है। अज तो बाद कोई भी जरूरतमंद अपना फार्म भरा के इत्थे रह सकदा है। बहुत वधिया सहूलतां ने, 15 to 20 बंदे तां हुण रहण दी व्यवस्था साडे कोल पूरी हो चुकी आ। कमरे फलश बाथरूम अटैच ने, बैड लगे ने, पखे सारे लगे हुए ने, होर रहण दा बहुत वधिया प्रबंध आ। रोटी वास्ते इत्थे पक्के बंदे रखे हुए ने, जिहड़े तिन्ने टाइम रोटी बनाउणगे ते जिहड़े भी इत्थे लोग रहणगे उहनां दी सेवा करनगे। होर उस तों बाद कोई डाक्टरी जरूरत पैंदी आ उह भी साडे कोल अवेलेबल हैगा, डाक्टर दी दवाई भी दित्ती जांदी आ इत्थे। होर बस अज आरंभता कीती आ, पहलां श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।